जय श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बताता हूँ, जब इंसान का 3D विजुअलाइजेशन कम होता है या फिर प्लानिंग जो होता है वहां पे उसका थोड़ा सा वीक आता है, तो उसको मैं सजेशन देता हूँ, थिंक ऑफ सिचुएशन एज अ पजल टू बी सॉल्व। ये एटीट्यूड ना बहुत जरूरी है दोस्तों जीवन में। देखिए मुश्किल आती है, और जब हम मानते हैं कि मुश्किल मुश्किल है तो हमें उस मुश्किल को सॉल्व करना मुश्किल लगता है। बराबर है क्या? यस और यस। द मोमेंट हम मानते हैं कि मुश्किल मुश्किल है तो हमें उस मुश्किल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मुश्किल लगता है। यस और यस है ना? अभी अभी सुन लिया ठीक से सामने। एंड द मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि यार ये पजल है, सॉल्व करना है ना, तो हमारे माइंड को क्या लगता है कि ओके यार ये एक ट्रिगर मिल रहा है, एक चैलेंज मिल रहा है, व्हाट्स द वर्ड, चैलेंज मिल रहा है, तो उस वक्त हम जमेगा नहीं जमेगा ये नहीं देखते, हम उस वक्त सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, और वहां पे हमारी सबकॉन्शियस में जो फीड डेटा है वो अपने आप बाहर आता है, प्लस हमारी क्रिएटिविटी भी बाहर आती है। एग्जाम्पल, क्रॉसवर्ड्स कितने लोगों ने सॉल्व किए हैं? क्रॉसवर्ड्स, यस। तो जब कोई दूसरा क्रॉसवर्ड सॉल्व करता रहता है और अटक जाता है ना, तो हम उसे बोलते हैं, अरे मेरे को बता वो क्या शब्द है, मैं बताता हूँ। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? ईमानदारी से हाथ दिखाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू आर ट्रीटिंग इट नॉट एज एन एज अ डिफिकल्टी, बट यू आर ट्रीटिंग द सिचुएशन एज अ पजल टू बी सॉल्व। अब मेन चीज क्या होती है, ये पजल जब आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है। यस और यस। तो माइंड रिलैक्स होता है इस एटीट्यूड में, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप कोई बढ़िया सा सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालो। तो जिंदगी में जब भी मुश्किलें आती है दोस्तों, तो ये बात को याद रखना है कि हमें मुश्किल को मुश्किल मानकर अपनी मुश्किलों को नहीं बढ़ाना है, जबकि हमें क्या करना है, हमें मुश्किल को पजल मानना है, ताकि हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट करे, चैलेंज ले और आगे बढ़ने का मौका दे। यस, आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।